गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आप लोग को स्वागत है। इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन देखते हैं लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं और बी एक काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक। दोनों मिलकर काम करते हैं तो 6760 रुपया कमाते हैं, तो ए का हिस्सा बताना है। चलिए, तो ए काम कर रहा है 5 दिन, बी काम कर रहा है 8 दिन, तो दोनों का आप एलसीएम लेते हैं तो 40 होता है। ए का इफिशियंसी 8, बी का 5, ठीक। तो दोनों को जोड़ते हैं तो उसका काम कितने पैसा कितना मिल रहा है, 6760 रुपया। और दोनों का इफिशियंसी जोड़ते हैं तो 13 का रेशियो 6760 है, तो ए का पूछा है तो मतलब ए मतलब 8, इसे गुना कर देंगे तो 5 × 13 × 6 = 520 में ही कट जाएगा। इसे 8 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4160 रुपया, तो ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पी प्लस क्यू ये काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, क्यू अकेले इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो पी अकेले इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसको बनाते हैं तो पी प्लस क्यू एक काम को कितने दिन में, 6 दिन में समाप्त करते हैं, क्यू अकेले इसी काम को 10 दिन में, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 जाएगा, 3 जाएगा, तो पी प्लस क्यू का इफिशियंसी 5 है और क्यू का अकेले 3 है, तो क्यू का इफिशियंसी 3 तो 5 यहाँ पे दोनों का जोड़ है तो पी का आ जाएगा 2। तो पूछा है क्वेश्चन में पी अकेले इसी काम को कितने दिन में करेगा, तो पी सबका इफिशियंसी मतलब टोटल वर्क काम करने 30 है, पी पी का एफिशियंसी 2 है, तो एफिशियंसी से भाग दे देंगे तो हमारा दिन आ जाएगा, यानी कि 15 दिन आपका आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि रीता अकेले इसी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है, तो मीना इस काम को अकेले कितने दिन में करेगी। बोल रहे रीता और मीना काम को, तो रीता और प्लस मीना कितना दिन में काम कर रही है, तो 10 दिन में काम कर रही है, जबकि रीता अकेले इसी काम को कितना दिन में कर रही है, तो 15 दिन में कर रही है, तो दोनों का एलसीएम हो गया 30, इसका कट जाएगा यानी कि 3 में जाएगा, 2 जाएगा, तो दोनों का एफिशियंसी 3 आ रहा है और रीता का अकेले 2 है, यानी कि मीना का आपका एफिशियंसी 1 आ गया, तो वही बोल रहा है मीना अकेले कितना काम करे, तो टोटल काम में आप एफिशिएंसी से भाग दे देते हैं तो आपका यानी कि दिन आ जाता है, तो ये आपका 30 डे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कृति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि मालती इसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है, तो कृति अकेले इसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है। कृति और मालती काम को 12 दिन में कर रही है, ठीक। तो मालती जो है अकेले काम को 30 दिन में कर रही है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, तो 12 से 5 में जाएगा 30 से 2, तो मालती का एफिशिएंसी 2 है, तो कृति का कितने दोनों का जोड़ के 5, तो 2 में 5 में से 2 घटा देंगे तो कृति का एफिशिएंसी 3 आ गया, ठीक। जब एफिशिएंसी आ गया तो पूछा है कि कृति अकेले इसी काम को कितना कर, तो टोटल काम में कृति का एफिशिएंसी से आप भाग दे देते हैं तो कृति का काम करने की दिन आ जाएगी, तो 20 से आ जाएगा, 20 दे आपका ये आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर में आपका सी नंबर दिया हुआ है।